For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. सर, अगर मैं फिल्म के बिजनेस की बात करूं तो क्या है आपकी तरफ से प्रिडिक्शन, कितना कर सकती है फिल्म कवर? आई थिंक ये इस साल मेरे ख्याल से 1000 करोड़ तक तो जाएगी. 1000. क्या बाहुबली को पछाड़ सकती है? ऑफकोर्स पछाड़ सकती है यार. सलमान भाई ऑफकोर्स पछाड़ सकते हैं यार, क्यों नहीं पछाड़ सकते. इज द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, खान, सलमान खान. 800-900 करोड़ कर सकती है सर ये. 800-900 करोड़ कर सकती है. मेरे हिसाब से 500 करोड़ तक बिजनेस कर लेगी ये फिल्म. इससे ज़्यादा मोर लेन, इससे कम तो नहीं होगा. 500 करोड़ तो हो जाएगा. देखिए, जहाँ तक के अभी जो जैसे फर्स्ट मूवी का जो कलेक्शन था वो हिसाब से देखने आएंगे तो ये पिक्चर भी मेरे ख्याल से उससे डबल बिजनेस कर सकती है. और बाकी तो हमारा सपोर्ट तो रहेगा सलमान भाई के साथ. मुझे तो लगता है बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेगी ये. अरे बॉस, सेकेंड पार्ट आ रहा है डूड, और पहला पार्ट ने उसको रॉक कर दिया था. तो ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है तोड़ देगी बाहुबली का रिकॉर्ड. द मूवी दैट आई नो एकता टाइगर वॉज लाइक अ ब्लॉकबस्टर मूवी एंड इट समवेयर अर्नड मोर देन शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट देन इट अर्न समवेयर अराउंड. सो दिस मूवी, दिस अपकमिंग मूवी इज ऑल्सो गोइंग टू, आई थिंक इट्स गोइंग टू गो बियॉन्ड एकता टाइगर बजट. सो वेटिंग, ईगली वेटिंग फॉर दिस मूवी टू रिलीज. वेन इट कम्स टू being person specific, I'm a very big Salman fan. So budget ka to mujhe pata nahi bhai, main first day first show dekhne jane wala hu for sure. I hope that this time this movie can, you know, earn more than last time, because that time they were together, now they are not together, so people in audience will be more excited to see them together now after the breakup. And yeah, they both are coming together after a long time in a movie. So I think this movie will rock, and it is again a festival time in December, New Year, that Christmas and everything. So look, it's a Salman Khan movie, then it's a part of Ekta Tiger. So, and with that said, it's more likely, it's raising everybody's, you know, expectations. It's crossing them. So I think it might cross 300 crores. I expect this much, I think. Wow. Because it's a Salman Khan movie and plus Katrina is in that movie. So meri taraf se to 500 crore kamana chahiye. Definitely aage jayegi, definitely. Action first class hone wala film hai. Aur Salman Khan ki movies achhi hoti hai. To fir आई गेस लोग आते भी है, सलमान खान के इतने फैन है तो फिर होगा. अच्छा, आपने बोला कि ये सबका रिकॉर्ड तोड़ सकती है. सबका मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर कोई मूवी है क्या दिमाग में? सबका मतलब पर्टिकुलर, ज़्यादातर तो अभी बाहुबली 2 चल रही है और अभी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो अभी की सबसे बड़ी फिल्म बनेगी. गारंटी. क्या बात है, टाइगर जिंदा है. टाइगर जिंदा है. ऑल द बेस्ट. ऑल ओवर द वर्ल्ड तो सलमान भाई को सब जानते हैं, इंडिया में तो सबका बाप है. 500-500 हज़ार करोड़ तो कहीं भी नहीं है. हाँ, डेफिनेटली ब्रेक करेगी, बिकॉज भी हम जानते हैं कि सलमान के कितने सारे फ्रेंड है. हाँ, और एकटा टाइगर जिस तरह से कवर किया था एकटा टाइगर ने, उसी तरह से टाइगर जिंदा भी कवर करेगी और रिकॉर्ड बनाएगी. आर यू एक्साइटेड फॉर टाइगर जिंदा? डेफिनेटली. क्यों? सलमान के लिए मत बोलना सिर्फ, वो तो है ही ऑब्वियस. और क्या रीजंस है? कैटरीना भी है जो हम जानते हैं, और कैटरीना और सलमान की जोड़ी बेस्ट है. सो डेफिनेटली वी आर एक्साइटेड फॉर इट. टाइगर जिंदा है वो तो आगे जाएगी जाएगी, क्योंकि टाइगर का फ्लेक्सिबिलिटी, उसका एक्शन बहुत क्लास है. आमिर खान अभी थोड़े पुराने हो चुके हैं तो उनको पब्लिक इतना पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, लेकिन टाइगर जिंदा है बहुत आगे जाएगी. हाँ, करने वाली है सब रिकॉर्ड. क्यों? क्योंकि मेन तो सलमान भी है और उसके साथ कैफ भी आ रही है बहुत टाइम के बाद. बहुत बड़े फैन लगते हो. या ओके, और क्या रीज़न लगता है कि टाइगर जिंदा है जो है दंगल दंगल जैसी जो मेहमोथ फिल्म है उसको पीछे कर सकती है? क्योंकि एक तो मेन डायरेक्टर है उसका अब्बास अली खान, जो अली अब्बास जफर, उसके वजह से. और एक तो सलमान की मूवी है, फैन फॉलोअर्स बहुत है, और कैफ के भी बहुत फैन फॉलोअर्स है. सो करने वाली तो है, और उसके बहुत टाइम के बाद सलमान भी मूवी ला रहा है आफ्टर 1 ईयर. तोड़ पाएगी? हाँ, तोड़ पाएगी. तोड़ पाएगी? तोड़ पाएगी. तोड़ हाँ, पक्का तोड़ेगी. ऑफकोर्स. क्यों? रीज़न मुझे एक एक करके बताओ. फाइटिंग, बॉडी, एक्शन, हेयर कट, बॉडी कट, सब कट. तुम्हें क्या लगता है कि सलमान भाई के सब बॉडी पे फिदा है? पूरे इंडिया में सलमान भाईजान के ही फैंस हैं, तो ऑफकोर्स तोड़ देगी. मेरा भी ये व्यू है कि ये महाराष्ट्र में एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तो सलमान भाई के यही है फ्रेंड्स फॉलो ज़्यादा है, तो आमिर खान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. तोड़ देगी इजीली. अच्छा, ऑफकोर्स भाई की पर्सनालिटी और भाई की पिक्चर में एंटरटेनमेंट होता है और भाई चलते रहते हर साल, तो ऑफकोर्स भाई की पिक्चर हिट होगी.